राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेलो युवा किसान पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ना पेड़ी में पत्ती की मल्चिंग किस प्रकार करें बगैर रेटून मैनेजर के। किसान भाइयों, मैंने पहले भी इस खेत के एक वीडियो डाली थी, जब मैंने पत्ती पहली बार इसकी उतारी थी, ईख कटने के पश्चात मैंने इसमें पत्ती फैली हुई थी उसमें हैरो चलाई थी। किसान भाइयों, देख सकते हैं आप, ये पत्ती उतरी हुई है और कुछ साइडों से मिट्टी फटी हुई है हैरो के माध्यम से, और काफ़ी पत्ती कट भी चुकी है। अब मैंने उसमें उसके बाद पानी चला दिया था, पानी चलाने के पश्चात इसमें फिर से ये जुताई के लिए तैयार है। आज फिर मैं इसमें हैरो लेकर आया हूँ, इसमें आज मैं फिर जेल करूँगा इसकी। जेल करने के पश्चात आप जो थोड़ी बहुत पत्ती जो देख रहे हैं ये बची हुई, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इसमें टीलर या रोटावेटर आप आराम से चला सकते हैं, और मानसून से पहले पहले मैं इस पर फिर से दोबारा मिट्टी चढ़ा दूंगा। किसान भाइयों, देख सकते हैं ये 5 फीट पर बोया हुआ गन्ना था मेरा, कितना बेहतरीन फुटाव है इस गन्ने में, कितनी बढ़िया टिडलिंग है, देख सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, मल्चिंग का फ़ायदा जो है ये है कि जो आपकी पत्ती है ये बिल्कुल आपके खाद का काम करती है। जब ये गलती है, सड़ती है, तो ये खाद का काम करती है। बगैर मल्चिंग के पत्ती ज़मीन के ऊपर आपकी ऐसी पड़ी रहती है, इसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं लग पाता। और आप जब पेड़ी के बाद गन्ना काटते हैं, ये जू की तू पड़ी हुई मिलती है, और आप इसे या तो मुंडे में आग लगा देते हैं या फिर जोत देते हैं। किसान भाइयों, गन्ने को गुण नहीं लग पाता इस वक्त इसका, देख सकते हैं। अब ये जो पत्ती कट गई है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये पूरा खाद आपका देसी खाद का काम करती है। देखिए कितनी बढ़िया ट्रिलिंग और ब्यात है, बढ़भार भी अच्छी है। ये किसान भाइयों, 1 मई को ही मैंने, 1 या 5 मई के आसपास मैंने इसमें गन्ना समाप्त किया है काट कर। ये मेरा कुछ गन्ना इसमें पहले कटा हुआ है, यानी कि शुरुआत में ये कट गया था खेत मेरा, कुछ कुछ आखिर में अप्रैल मई में कटा है। तो ये जो शुरू में कटा था ये काफ़ी अच्छी हो गई है पेढ़ी, बहुत अच्छी पेढ़ी हो गई है। किसान भाइयों, एक बात और है, इसमें मैंने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी अभी मैंने बस कल पहली बार एक इसमें स्प्रे NPK 19-19 का पहली बार कल स्प्रे किया है। देख सकते हैं रंग कितना बढ़िया है, स्प्रे का तो अभी रंग भी नहीं आया होने का किसान भाइयों, इस पर अभी तक इस पर स्प्रे का रंग नहीं, 2-3 दिन में आना शुरू होगा रंग। लेकिन बगैर खाद के ही इसमें कितना अच्छा रंग आ रहा है किसान भाइयों, ये जुताई का फ़ायदा है। और देखिए केंचुए भी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं केंचुए, ये केंचुए की है मिट्टी खाई हुई, ये केंचुआ भी काफ़ी अच्छा है। किसान भाइयों, मैं दवाइयों का कम इस्तेमाल करता हूँ रासायनिक, बस एक बार मिट्टी चढ़ाने से पूर्व ही इसमें फटेरा या फिर शीरा साग आता है गन्ने में इस्तेमाल करने के लिए, इफको का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल करता हूँ किसान भाइयों सिर्फ मैं एक बार। इसमें देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब बढ़वार है गन्ने की, बगैर किसी खाद के, बगैर किसी दवाई के अभी तक। अब जब इसमें स्प्रे का रंग आएगा तो आप देखना बहुत अच्छी रंग देकर आएगा, इसमें बहुत अच्छी बढ़वार होगी। किसान भाइयों, आज मैं इसकी दूसरी जुताई करने जा रहा हूँ, आगे मैं आपको अपनी जुताई करते हुए भी दिखाऊंगा। भाइयों ये देखिए, ये सब मेरी बाद की कटी हुई है, जो मेरी मई में कटी है, 5-6 मई के आसपास मैंने इसमें समाप्त कर दिया था गन्ना काट के, ये बाद की है। कितना अच्छा फुटाव है इसमें खेत में। भाइयों ये देखिए मेरा फार्मा ट्रक Atom 26, आज मैं इस पर हैरो लेकर आया हूँ। एक वीडियो मैंने अभी पहले डाली थी, उस पर मैंने टीलर चलाया था अपनी दूसरी पेढ़ी में, वो भी ट्रंच में 3rd से बोई हुई गन्ना था। फार्मा ट्रक Atom 26 HP का ट्रैक्टर है किसान भाइयों। ये जो है मेरी लिफ्ट वाली हैरो है, मैंने इसमें 2 जुगाड़ किए हुए हैं। लिफ्ट में चलानी होती है तो मैं टोपलिंग जोड़ देता हूँ, बगैर लिफ्ट के मैं टोपलिंग हटा देता हूँ, या फिर सड़क पर चलानी हो मुझे तो ये पहिया जो आप देख रहे हैं, ये जो पहिया है मेरा, ये सड़क पर चलने में काफ़ी मदद करता है।
ये हैरो काफ़ी लंबी है तो झटको सड़क काफ़ी बेकार है, तो ये ट्रैक्टर को जब सड़क पर सपोर्ट पर चलता है पहिया, तो ट्रैक्टर को आगे से उठने से बचाता है। किसान भाइयों, अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता इस पहिए का, तो ट्रैक्टर थोड़ा आगे से उठ उठ के चलता है झटकों पर, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है इंतज़ाम है। ये सभी किसान भाई जो छोटा ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये पहिया लगवाना चाहिए, काफ़ी आसान है लगवाना, देख सकते हैं, इससे काफ़ी मदद मिलती है। ट्रैक्टर पर लोड भी नहीं पड़ता और ट्रैक्टर बड़े आराम से ख़राब रास्तों पर, चक्रोड पर आराम से चलता है हैरो के लेकर, वरना तो आगे से उठता रहता है, झटके मारता है ट्रैक्टर। किसान भाइयों, अब मैं इस खेत की जुताई करूँगा, अब गया इसकी वीडियो बनाऊँगा, देखते रहिए। किसान भाइयों, देख सकते हैं मैं अब इसकी विदाई कर रहा हूँ हैरो के माध्यम से, और आप देख सकते हैं हैरो जो है ये वन साइड लेके चल रही है। किसान भाइयों, वन साइड लेके चल रही है ये हैरो स्टेम, फिर मैं उधर से इसमें दूसरी साइड से हैरो लाऊंगा जो दूसरी साइड को कवर करेगी। देखिए किस प्रकार ये मिट्टी उतार रही है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये मैंने डबल हैरो इसमें निकाल दी है, यानी कि इस साइड से भी मिट्टी उतर गई है, इस साइड से भी मिट्टी उतर गई है, देख सकते हैं। किसान भाइयों, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, पत्ती का खाद तो लगता ही लगता है, दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप इसकी हैरो निकालते हैं तो ये पुरानी जो जड़ें हैं, जो जड़ों के नस्से हैं, इनकी कटिंग हो जाती है, जिससे नए नस्सों जड़ों का विकास होता है। किसान भाइयों, इसका फ़ायदा ये लगता है कि आपका गन्ना बिल्कुल जैसे नोलक पौधा होता है उस भांति बढ़वार करता है, जैसे आप नोलक बोते हैं बीज गेर कर, तो ये गन्ना ठीक उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, गन्ना काफ़ी मोटा और लंबा होता है। तीसरा बेनिफिट किसान भाइयों इसका ये है कि आप इसमें सेडी गन्ना भी, यानी कि तीसरी बार लगातार फसल बड़ी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ना जड़ कटने के बाद ये बिल्कुल नोलक पौधे की तरह व्यवहार करता है, जिससे आप इसमें आसानी से तीसरी बार फसल ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैंने किसी भी प्रकार के खाद का इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक, जब से ये कटिंग हुई है। इसमें केवल मैंने अभी कल ही नैनो यूरिया और यूमिक पावर एसिड जो इफको का आता है उसका घोल मिलाकर स्प्रे किया है, और नैनो यूरिया कुल मात्र 150 ml का ही स्प्रे किया है, कुल मेरे पास 150 ml बचा था, बाकी का मैंने बाकी खेतों में स्प्रे किया। किसान भाइयों, तो कुल 150 ml का इसमें स्प्रे था, साथ में 18 18 आधा किलो, और यूमिक पावर एसिड 150 ग्राम कुल मैंने उसका स्प्रे किया है। किसान भाइयों, देख सकते हैं रंग गन्ने पे ऐसा है जैसे कि आपने कोई खाद डाला हो या कोई दवाई डाली हो, लेकिन किसान भाइयों ईमानदारी से मैंने अभी तक इसमें किसी भी प्रकार के खाद दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है। किसान भाइयों, इसमें एक बात और बता दूँ, मेरा जो आगे कोई इरादा है, मैं इसमें सेडी जरूर छोड़ूंगा, यानी कि तीसरी फसल लूंगा, क्योंकि जमाव अच्छा है, टिडलिंग अच्छी है, बढ़वार भी गन्ने की अभी तक अच्छी है, तो मैं इसमें तीसरी बार फसल और लूंगा लगातार। किसान भाइयों, देख सकते हैं, और किसान भाई एक काम जरूर कर लें, ये अगर आप ट्रेंच मेथड से गन्ना बोते हैं तो 5 फीट से कम पे गन्ना ना बोए, 5 फीट से कम में हैरो बड़ी दिक्कत से चलती है, रूटावेटर आपका दिक्कत से चलता है, गन्ना बड़ा होने पर
किसी भी प्रकार की नड़ाई गुड़ाई में बड़ी दिक्कत होती है। किसान भाइयों, इस वजह से गन्ना 5 फुट से कम पे ना बोएं आप अपना। अच्छा, धन्यवाद किसान भाइयों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी खेती करने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट हमें ज़रूर करना। किसी भी जानकारी, कोई भी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं ट्रैक्टर के बारे में या ट्रेंच मेथड की खेती के बारे में, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।